हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के नई वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो है डिलक्स के ग्रैब रेल्स के बारे में। ये जो ग्रैब रेल्स आप देख रहे हैं, इस बारे में है। जो लोग डिलक्स रखते हैं या स्प्लेंडर बाइक रखते हैं, तो इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि कुछ मंथ पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैंने डिलक्स की ये ग्रैब रेल निकाल करके, इसमें जो स्प्लेंडर की ग्रैब रेल आती है, जो क्रोम के अंदर आती है पाइप वाली स्टील की, वो फिट की थी। तो वो वीडियो मेरी वायरल हो गई, तो बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि आपने कौन सी ग्रैब रेल फिट करी है। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा, अभी भी चैनल पर जो व्यूवर्स है वो 90% ऐसे व्यूवर्स है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी वीडियो आती है उनको पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप डिलक्स स्प्लेंडर या अन्य किसी भी बाइक के बारे में जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, उसके लिए आप कमेंट करके मुझे कहें, मैं अवश्य वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वीडियो को। ये बिल्कुल न्यू स्प्लेंडर बाइक है, स्प्लेंडर प्लस, जो कि तकरीबन ओनली 15 दिन पुरानी, ये OBD2 वाली 2023 मॉडल स्प्लेंडर है। इसके साथ ये कंपनी फिटेड आया था ग्रैब रेल, जो कि अब निकलवा दिया है, और इसके अंदर आफ्टर मार्केट ये छोटे वाला ग्रैब रेल है, ये लगवा दिया है। तो इस ग्रैब रेल का हम यूज़ करने वाले हैं अभी HF डिलक्स पे, लगाकर मैं आपको इसका वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं डिलक्स के पास। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने HF डिलक्स के पास, और ये ग्रैब रेल आप देख सकते हैं। ये ग्रैब रेल जो HF डिलक्स में आती है कंपनी फिटेड, ये ओल्ड मॉडल है डिलक्स का, जो कि पहले हीरो होंडा CD डिलक्स आया करता था, बिल्कुल उस जैसा है। ग्रैब रेल देख सकते हैं, अभी मैं इसमें स्प्लेंडर का ग्रैब रेल डाल करके दिखाता हूँ। इस प्रकार से मैंने देखे साइड पैनल को यहाँ पे निकाल दिया है दोनों साइड से, और सीट के जो स्क्रू है उनको भी खोल लिया है। अब सीट निकालते हैं। अब हमें दो इस साइड से ये वाले और दो इस साइड से ये वाले, ये चारों स्क्रू निकालने हैं। उसके बाद जो स्प्लेंडर का ग्रैब रेल है उसको हम फिट करके देखते हैं। चलिए मैं जल्दी से इनको निकाल लेता हूँ, और इन स्क्रू को ये 12 नंबर की चाबी से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके खोलना पड़ेगा। इसको मैं जल्दी से पूरे ग्रैब रेल को उतार लेता हूँ और फिर आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ वीडियो। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से जो इसका कंपनी फिटेड ग्रैब रेल होता है डिलक्स का, वो खोल लिया है। अभी मैं स्प्लेंडर वाला इसके अंदर डालने वाला हूँ, जो स्प्लेंडर का ग्रैब रेल है वो। अब ये वाला स्प्लेंडर का ग्रैब रेल है, इसको मैं यहाँ रखने वाला हूँ। तो देख सकते हैं आप, स्प्लेंडर का ग्रैब रेल वैसे तो इस पे फिट बैठता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा इसको इस साइड खींचना पड़ेगा। स्क्रू बिल्कुल एक जैसे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा खींचना पड़ेगा इसको। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा खींच करके और आप इस तरह से इसको फिट कर सकते हैं, बिल्कुल चारों स्क्रू अच्छे से फिट हो जाएंगे। मैंने एक एक फिट कर दिया है आपको दिखाने के लिए। एक यहाँ पे छोड़ दिया है और इसका ये पीछे वाला छोड़ दिया है, चारों आप फिट कर सकते हो। मैं इसीलिए फिट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ये रखना नहीं है, मुझे जो डिलक्स का ओरिजिनल जो साथ में आता है वहीं लगाना है। ये स्टील वाला जो ग्रैब रेल है ये नहीं चाहिए। और अभी मैं फिट करता हूँ इस पर सीट, और देखते हैं किस तरह का लुक आता है, पहले जैसी लगती है बाइक, जो पहले मैं ये वाला ग्रैब रेल लगा कर जो वीडियो बना रखी है पहले।
तो ये देख सकते हैं सीट फिट हो जाएगी और कुछ ऐसा लुक आएगा बाइक का। तो आप पूछ रहे थे मुझे, जो पहले जो मैंने वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, एक शॉर्ट वीडियो है, उसमें काफ़ी सारे दोस्त ये पूछ रहे थे कि ग्रेब्रिल आपने कौन सा लगाया, स्प्लेंडर का है, डिलक्स का है। तो आप इस तरह से शॉप से ख़रीद सकते हैं और स्प्लेंडर वाला ये ग्रेब्रिल और इसमें डिलक्स में इजीली फिट कर पाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ये गैप तो रहता है। अब जिन दोस्तों को ये वाला ग्रेब्रिल अच्छा लगता है ना, वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्लेंडर और डिलक्स का बिल्कुल सेम है और सेम ही चारों नट फिट हो जाते हैं। ये पीछे से लुक कुछ देख सकते हैं आप, और इसमें आपकी जो टेल लाइट है वो भी सेफ रहेगी, उसको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बार मैं सीट हटा के दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये ग्रेब्रिल है, ये स्प्लेंडर का है, न्यू मॉडल 2023 का, जो अभी 10 दिन पहले हमने निकाला है। तो ये जो स्टॉक आता है ग्रेब्रिल, ये मैंने वापस से फिट कर दिया है और इसमें देख सकते हैं आप, इसकी फिटिंग बिल्कुल ओके है। फिटिंग तो उसकी भी ओके थी, लेकिन यहाँ जो ये थोड़ा सा सीट में और इस पीछे के पैनल में थोड़ा सा गैप रहता है, लेकिन इसमें गैप नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।